नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। राशिफल देखने से पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ग्रीष्म ऋतु की वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सारे दिन रहेगी। आज 24 अप्रैल बुधवार का दिन है तथा स्वाति नक्षत्र सिद्धि योग एवं बालवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन तुला राशि में रहेगा। आज राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। आज यम घंटक योग प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। बीमारी से संबंधित मेडिकल परामर्श के लिए सुबह 11:15 से दोपहर 1:15 तक, साथ ही शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक शुभ समय रहेगा। आज नौकरी, इंटरव्यू, सरकारी टेंडर, बिजनेस तथा धार्मिक पर्यटन एवं घूमने की दृष्टि से दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा। आज रात 11:18 से शुक्र ग्रह का मेष राशि में संचार शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं सभी राशि वालों के लिए आज का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहने वाला है। आज वाणी में सौम्यता रहेगी, मन में निर्मल तथा स्वच्छ विचार आएंगे। परिवार में सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति विकसित होगी। आज कुछ समय एकांत में भी चिंतन एवं मनन कर सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया जाएगा। आज आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित तथा अनुशासित रखने का आप कार्य करेंगे। ननिहाल में किसी कजिन सिस्टर के शादी समारोह में आज आप भाग ले सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों में नए विश्वास का दौर शुरू हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज दिन भर रचनात्मकता तथा रोमांच से भरे विचार आएंगे। किसी प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज में आपकी बेटी का एडमिशन हो सकता है। क्रिएटिव, केयरिंग तथा जिम्मेदारी के गुणों वाले लवमेट, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आज उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आनंद से भरा रहेगा। आपका मन आज उत्साहित व प्रसन्न रहेगा। टीचिंग, कोचिंग तथा सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में कार्यरत युवा व युवतियों को आज अर्थ लाभ के बेहतर अवसर मिलेंगे। आज किसी महंगी ब्रांड की गाड़ी को भी आप खरीद सकते हैं, साथ ही किसी लग्जूरियस फ्लैट को भी आप खरीद सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छे पदों को ला रहा है। आज आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। पिछले कुछ समय से चली आ रही हीन भावना समाप्त होगी, साथ ही नौकरी से संबंधित किसी गलत निर्णय को लेने से बचेंगे। छोटी बहन के प्रति विशेष प्यार रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ जाने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य शानदार रहेगा। मन में ऊर्जा व उत्साह का संचार रहेगा। किसी करीबी रिश्तेदार के घर मिलने के लिए जा सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में इनकम के नए अवसर सृजित होंगे। दूध व खाद्य पदार्थों से संबंधित किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आज सारा दिन तनाव रहित बीतेगा। बिजनेस में आई कोई पुरानी निराशा दूर होगी। बिजनेस से संबंधित किसी नई योजना को आज आप वास्तविक रूप दे सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं। आज आप भावुकता पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपकी अवचेतन मन में दबी हुई क्षमताएं बाहर आएंगी। किसी पुरानी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के अवसर प्राप्त होंगे। आज बिजनेस को बढ़ाने के लिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा व उमंग लेकर आ रहा है। आज आपका आध्यात्मिक व धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। सांसारिक जीवन तथा आध्यात्मिकता दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएं, इस पर चिंतन और विचार कर सकते हैं। साथ ही आज बड़े भाई या बहन के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा को लेकर आ रहा है। आपकी सलाह आज कई व्यक्तियों को मार्गदर्शित कर सकती है, साथ ही व्यापार में सफलता भी दिला सकती है। सिविल तथा लीगल सर्विसेज में प्रयास कर रहे विद्यार्थियों को आज सिलेक्शन की संभावनाएं बनती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार को लेकर कई दिनों से चली आ रही कोई समस्या सुलझ सकती है। मीडिया, संचार तथा अनुसंधान से जुड़े व्यक्तियों को आज धन लाभ तथा प्रमोशन की संभावनाएं बनती हैं। मीन राशि वाले आज का दिन सोच विचार कर बिताएं। आज व्यवसाय को लेकर कोई व्यर्थ का तनाव या चिंता हो सकती है।
बिजनेस में किसी नए व्यक्ति को साझेदार आज ना बनाएं, सट्टा शेयर व लॉटरी में पैसा इन्वेस्ट ना करें, नौकरी करने के लिए विदेश में सेटल होने का आज प्लान बना सकते हैं। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार।